नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अब महाराष्ट्र में स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे खबरों की औरंगाबाद से, जहां महिला पत्रकार से अभद्रता करने वाले संभाजी भिड़े के खिलाफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने चप्पल मारो आंदोलन शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि दरअसल एक महिला पत्रकार ने माथे पर टीका नहीं लगाया था, उसी को देखते हुए संभाजी भिड़े गुरुजी ने उसे टीका लगाने की सलाह दे डाली और इस बात पर राज्य भर की महिलाएं बिफर गई हैं। महिलाओं का ये कहना है कि किसी भी महिला को आजादी है कि वो अपने मन मुताबिक कपड़े पहने, माथे पर टीका लगाए या ना लगाए। इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भिड़े गुरुजी की तस्वीर पर चप्पल मारकर चप्पल आंदोलन शुरू किया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये एक पोस्टर है जिस पर ये महिलाएं मिलकर चप्पल मार रही हैं। और ये चप्पल मारो आंदोलन सिर्फ एक टीके की बात को लेकर शुरू हुआ। महिलाओं का यहाँ पर ये कहना है कि ये उनकी इच्छा है, महिलाओं को ये अधिकार है कि वो अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हैं और वो टीका लगाएं या ना लगाएं, ये उन्हीं की इच्छा है। जे वक्तव्य केलं आमच्या पत्रकार भगिनींना की तुला कुंकू टिकली नाही आहे आणि मी तुला प्रतिक्रिया देणार नाही आहे, तर मग आमचा प्रश्न हा आहे महिला काँग्रेसच्या वतीनं की त्या आमच्या पत्रकार जिने लग्न केलं नाही तिला तिने विधवा ठरवलं का, हा पहिला प्रश्न आहे। दुसरा प्रश्न हा आहे की वारंवार हा भिडे जो आहे तो भिडे महिला विरोधी असेल आणि पुनवादी विचाराच्या विचारसरणीचा RSS आणि भाजपच्या पक्षाच्या या पाठिंब्याने बेताल वक्तव्य करून जे आहे ते समस्त देशातील महिलांचा अपमान करीत आहे, तर त्याने देशातल्या महिलांची माफी मागावी अशी आमची मागणी आहे। परवा संभाजी भिडे यांनी जे महिला पत्रकारांशी वर्तन केलं की तुम्ही तुमची प्रतिक्रिया टिकली लावली नाही म्हणून तुम्ही तुमची प्रतिक्रिया तुम्हाला प्रतिक्रिया देणार नाही, हे संभाजी भिडेचं वक्तृत्व जे आहे ते खूप चुकीचं आहे, कारण टिकली लावली म्हणजेच तिचं कर्तृत्व सिद्ध होत नाही। आत्तापर्यंत आपण बघत आलो ऐतिहासिक काळापासनं की ज्या महिलांनी टिकल्या लावलेल्या नव्हत्या तरी त्यांचं कर्तृत्व खूप मोठं होतं, याची उदाहरणं आहेत, जिजाऊ आहेत, अहिल्याबाई होळकर आहेत, ताराराणी आहेत। नासिक में साधु संतों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आत्मकालेश आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर महाराष्ट्र सरकार ने 75 नदियों के अमृत जल को एक ही जगह लाने की योजना शुरू की और इन 75 नदियों की सूची में नासिक की गंगा और गोदावरी को शामिल न किए जाने से साधु और संत समाज नाराज है और अपनी इसी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए साधु संतों ने आज नासिक में आत्मकलेश आंदोलन शुरू किया है। महाराष्ट्र शासनाने 75वा अमृत महोत्सवी दिनानिमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्रातील ज्या नद्या आहे, उपनद्या आहे, यांच्यावर नदी यात्रा करायचं ठरवलंय। या 75 नद्या ज्या संपूर्ण महाराष्ट्रातील आहे, या नद्यांमध्ये गोदावरी नदीचा समावेश नाही आहे। गेले काही दिवस झाले आम्ही सातत्याने या शासनासोबत प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करतोय, परंतु अद्यापही या नदीचा समावेश त्यांच्या जीआरमध्ये केला नाही। म्हणून आज आम्ही सर्व नाशिककर साधू महंत पुरोहित संघाच्या सोबत आज या रामकुंडावर आत्मक्लेश करतोय की या गोदावरी नदीचा समावेश या जी यात्रा आहे नदी यात्रा त्यात व्हावा ही आमची अपेक्षा। और तकनीकी खराबी के कारण उपनागरिक लोक ट्रेन 15 से 20 मिनट देर हो गई। आपको बता दें कि पीक समय में लोकल ट्रेन की देरी की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। रेलवे ने लोगों को हुई इस परेशानी के लिए खेद जताया। और पंढरपुर में उप मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने विठल के दर्शन किए और इसी के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, जिस समय उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों और उद्योग के धंधों के बारे में भी पूछे गए सवालों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। सांगितलं जातं आता गेलाय, लोक बाहेर पडतायत, परत प्रोजेक्ट्स, आता तुम्हाला कळलं असेल लेटेस्ट देवेंद्रजींनी परत तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट आवर्जून आणलेला आहे आणि तसेच
नक्की खूप प्रोजेक्ट्स येतील पुढे. एक विजन आहे आता आणि एक डिरेक्शन आहे, तर ती डिरेक्शन परत आली आहेत. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स वाढलेले आहेत आपले, त्यांची जी स्पीड होती काम करण्याची, आणि नवीन नवीन प्रकल्प आणि पॉलिसीज पुढे येत आहेत. ते तर क्लिअर झालं होतं की 2020 आपला हा दुसरा प्रकल्प आणि फॉक्सकॉनचा पण तेव्हाच भसकला म्हणतात भसकला होता. आणि फक्त आरोप प्रत्यारोप करून चालत नाही, आणि त्यावेळेस नुसतं त्यांना भेटून फोटो अप करून चालत नाही, तो शेवटपर्यंत प्रोजेक्ट पोचवायचा असतो, जे ते लोक पोचू नाही शकले कारण तो चालला गेला होता. पण अजून खूप वेळ आहे, आपल्याला नंबर वन व्हायचं आहे. मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए विधायक बच्चू कड़ू ने कहा है कि उनके और विधायक रवि राणा के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन मीडिया विवाद बनाए रखना चाहती है. उन्होंने ये भी कहा कि हमारे विवाद को इतना महत्व देने की बजाय अगर मीडिया ने किसानों की समस्या की इतनी प्राथमिकता से दिखाया होता है तो किसानों की समस्या हल हो गई होती. का बच्चू कडू गुवाहाटीला गेला आणि 50 कोटी घेऊन आला, तर हे चुकीचं आहे. कसं आहे, सत्ता परिवर्तन आताच झाली का? असे अनेक आपण इतिहास जर पाहिला तर अनेक गोष्टी घडत गेल्या, आणि प्रत्येक वेळेला आता तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून पाठिंबा निवडून आले, आणि नवनीतजी त्यांच्या पाठिंबा निवडून आले, आणि त्यांनी बीजेपीला पाठिंबा दिला. मग आम्ही असं म्हणायचं काय, बा तुम्ही पैसे घेतले नाही, पण तुमच्याकडे माहिती असेल तर म्हणा ना तुम्ही. नाही, अधिक पेटवाचा नाही आहे, तुम्ही पेटवाचा प्रयत्न करताय मला माहित आहे, पण मी ते पेटवणार नाही. तुम्ही स्वतःहून मग रवि राणांना का नाही भेटत? एवढे दिवस हा वाद सुरू आहे, ते मीडिया समोर येऊन बोलताय, तुम्ही मीडिया समोर असाल तर नक्की भेटू, आज संध्याकाळी प्रयत्न करतो. मला वाटतं आता वैज्ञानिक विकास महामंडळाचा जो विषय आहे तो मंत्रालयीन स्तरावर आहे, मी निश्चितच आपली जी काही. और उद्धव गुट शिवसेना से निकलकर शिंदे गुट में जाने वाले नेताओं ने कार्य क्षेत्र में आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा कर रहे हैं, और इसी निष्ठा यात्रा के अंतर्गत आगामी 7 नवंबर को आदित्य ठाकरे बुलढाणा जिले का दौरा करेंगे. शिवसेनेचे नेते, युवा सेनेचे प्रमुख सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब हे दिनांक 7 तारखेला अकोला येथे येत आहे. अकोल्याहून बाळापूर 10 वाजता, 12 वाजता मेहकर येथे निष्ठायात्रा, मेहकर झाल्यानंतर बुलढाणा येथे 2 वाजता निष्ठायात्रेचं आयोजन केलेलं आहे. तरी संपूर्ण जिल्ह्यातील शिवसैनिकांना, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना आम्ही आवाहन करतो की जास्तीत जास्त संख्येने या ठिकाणी आपण उपस्थित राहावं. आणि आम्ही जेव्हा फिरत असताना, ग्रामीण भागात जात असताना, शेतकरी, शेतमजूर, युवा सेनेचे पदाधिकारी, शिवसेनेचे कार्यकर्ते हे सुद्धा आदित्य साहेबांना ऐकण्यासाठी आणि पाहण्यासाठी मोठ्या उत्सुकतेने या ठिकाणी येणार आहे. आणि मी बुलढाणा जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं जिल्हाप्रमुख या नात्यांना, संपूर्ण कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की या दोन्ही ठिकाणी निष्ठायात्रेला आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं, ही विनंती. और औरंगाबाद जिले में राज्य उत्पादन शुल्क और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा खेतों में छुपे तौर पर गांजा उगाने के खिलाफ कार्रवाई की गई है. राज्य उत्पादन विभाग और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ किसान सब्जियां उगाने के नाम पर गांजे की खेती कर रहे हैं, जिसके आधार पर प्रशासन ने छापा मारा और 2 किसानों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. बता दें आपको कि धन सिंह गुमलाड़ू और चनकान सिंह गुमलाड़ू को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने करीब 8,24,540 रुपए मूल्य का 82 किलो गांजा बरामद कर लिया है. राज्य उत्पादन शुल्क औरंगाबाद विभागाच्या भरारी पथकाला एक गोपनीय माहिती मिळाली होती की खुलताबाद तालुक्यातील वेरुळ या ठिकाणी काही शेतकरी यांच्या शेतामध्ये गांजाची लागवड केलेली आहे. त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी खतर जमा करून आमच्या स्टाफसह रेड केले असता त्या ठिकाणी 56 गांजाचे झाडं आढळून आली. त्याचं वजन केलं असता ते 82 किलो इतकं आढळून आलं. त्या ती शेती 2 शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये होती, त्या 2 शेतकऱ्यांना अटक केलेली आहे. असा एकूण 8,24,000 किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास निरीक्षक भरारी पथक करत. और जय श्री राम के नारे के सामने अल्लाहु अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान 6 नवंबर को महाराष्ट्र के पुणे दौरे पर आएंगे. आपको बताते चलें कि पुणे के कोढ़वा में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड में आहाद फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक प्रतियोगिता में बतौर गेस्ट मुस्कान शामिल होंगी. साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 2022 के साल में शुरुआत में
कर्नाटक के उडुपी स्थित एक सरकारी कॉलेज से हिजाब का विवाद उठा था, जहां पूरे देश में ये चिंगारी की तरह फैल गया था। इसी दौरान सोशल मीडिया पर हिजाब पहने एक स्टूडेंट का वीडियो वायरल हुआ, जिसका नाम मुस्कान बताया गया। मुस्कान वही छात्रा है जिसने उस वक्त जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीखी शहर पुणे के सभी मजहब के मानने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम बीबी मुस्कान खान, मैं मंडिया कर्नाटक से हूँ। अहद फाउंडेशन के सदर जनाब मजहर भाई मनियार और उनके सभी साथियों मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही के जर निगरानी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्विज कंपटीशन चलाया जा रहा है, और इस क्विज कंपटीशन का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह 6 नवम्बर शिवाजी महाराज ग्राउंड अशोका म्यूज सोसाइटी के आगे कोनवा पुलिस स्टेशन के सामने होने जा रहा है। अहद फाउंडेशन के जनाब मजहर भाई मनियार के जानिब से हमें इनवाइट किया गया है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस नेक प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही हूं, और जिसने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है मैं उनको अपने नेक ख्वाहिशात पेश करती हूं। और आखिर में अहद फाउंडेशन के जनाब मजहर भाई मनियार और उनके सभी साथियों का शुक्र गुजारती हूं, और इंशाल्लाह मैं जरूर आ रही हूं और आप भी जरूर आइए। और जलगांव में उद्धव गुट के नेता सुषमा अंधारे की गाड़ी की जांच की गई है। पुलिस को शक था कि तड़ीपार युवा नेता शरद कोहली उनकी गाड़ी में प्रवास कर रहा है या नहीं। ऐसे में मंत्री गुलाब राव पाटिल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उद्धव गुट शिवसेना ने युवा नेता शरद कोहली को तड़ीपार कर दिया गया था। ऐसे में अब जलगांव में प्रचार के दौरान सुषमा अंधारे के साथ शरद सफर कर रहे होंगे, इस बात का पुलिस को शक था। इसी शक में सुषमा की गाड़ी की जांच की गई, जिस पर सुषमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। कारण नहीं है, माझी गाड़ी अडवण्यात आली आणि त्यांनी चेक केलं की शरद कोहली आमच्या गाडीत आहेत का, पण आम्ही त्यांना शांतपणे आणि संयमी भाषेत, कारण मला वाटतं की पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बद्दल काही बोलण्यात काही पॉइंट नाही। हे बघा, ते काय करतात, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इम्प्लिमेंटेशन, जी एक सिस्टीम आहे अंमलबजावणी प्रक्रियेची, त्या सिस्टीमचा ते भाग आहे। त्यामुळे त्यांना जे आदेश पालकमंत्री किंवा शासनाकडून मिळतात ते प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ते राबवतात, त्यामुळे माझा त्यांच्यावरती राग असण्याचं काही कारण नाही आहे। त्यांनी ती चौकशी केली, आमच्या गाड्या चेक केल्या, शरद कोहली गाडीत आहेत का बघितलं, परंतु मी मघाशी सांगितलं की जिल्हा बंदीचे आदेश जर निघाले असतील तर कायद्याचा आदर करत आम्ही शरद कोहली यांना जिल्ह्याच्या बाहेर सोडेपर्यंत सोबत होतो। ते जिल्ह्याच्या बाहेर गेले, तिथून पुढची जी काही न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती आम्ही आमच्या वकिला। खबर औरंगाबाद से है, जहां विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में 19 नवंबर को यह समारोह होने जा रहा है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येवले ने बताया कि इस साल का विद्यापीठ का जो समारोह है वो 62वां दीक्षांत समारोह है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठा विद्यापीठ मराठवाडा विद्यापीठाचा 62वा दीक्षांत समारंभ 19 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेला आहे। महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल, माननीय राज्यपाल हे त्या दीक्षांत समारंभाचं अध्यक्षस्थान भूषवतील, आणि परम कॉम्प्युटरचे जनक डॉक्टर विजय भटकर हे दीक्षांत भाषण करतील, विद्यार्थ्यांना ॲड्रेस करतील। आणि या दीक्षांत समारंभामध्ये आम्ही महाराष्ट्रातल्या 2 माननीय प्रमुखांना डिलीट पदवी देतो आहे, डिलीट पदवीने सन्मानित करतो आहे, माननीय नितीनजी गडकरी जे केंद्रीय मंत्री आहेत, आणि माननीय शरदचंद्रजी पवार महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी कृषी मंत्री यांनासुद्धा आम्ही डिलीट पदवीने सन्मानित करणार आहोत। आणि या दीक्षांत समारंभामध्ये जवळपास विद्यापीठामध्ये 550-600 जे आचार्य पदवी ज्यांनी संपादन केलेली आहे त्यांना सुद्धा पदवी त्या ठिकाणी दिल्या जाईल। बुलढाणा जिले के देवलगांव विराजो तहसील में पत्नी को ड्राइविंग सिखाने के दौरान ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई है। बताया जा रहा है कि रास्ते के पास पुराने कुएं में ये कार जा गिरी और पति को तुरंत ही कुएं से बाहर निकाल लिया गया, जबकि पत्नी और बेटी कार समेत 50-60 फीट गहरे कुएं में जा गिरी है।
उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और घटना की खबर मिलते ही दमकल विभाग ने 20 से 25 फुट कुएं का पानी निकालने का काम जनरेटर और पंप से शुरू किया, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिल बिलकुल ना सुधे जी पेशंट असतं का त्याच्या घरच्याला भरावं लागत असतं। कोणती बस आहे ये? लाईट गेलेली, लाईट बंद आहे। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां से आपको बता दें कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस लगातार चालान काट रही है। और आपको बता दें कि यातायात पुलिस ने इस बीच मनमाना चालान काटा है। आरोप सामने आया है कि पुलिस मनमानी कर रही है और इसी वजह से अब आम आदमी मुखर होता नजर आ रहा है। संत कबीर नगर का यह मामला है, जहां का रहने वाला युवक मदन मोहन, जिसका कल यातायात पुलिस ने 2,000 रुपए का चालान काट दिया। अब अपने चालान से हाथ धोकर मदन मोहन ने आज अम्बेडकर चौराहे पर सड़क के बीच बैठकर प्रदर्शन किया है। मदन का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस गैर जनपद के वाहनों का मनचाहे तरीके से चालान काट रही है। 2 बजे लगभग मेरा जबरदस्ती चालान काट दिया गया, ये बता के कि आप ट्रैफिक नियम का मतलब उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हेलमेट पहना हुआ था, एकदम राइट साइड से गाड़ी, एकदम राइट साइड से गाड़ी लेके जा रहा था और वहाँ पे जैसे लेफ्ट ऑफ साइड से लोगों को जाने का रास्ता दिया जाता है, पूरा लेन भरा हुआ था, दो ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे। मैं आया ऐसे लेफ्ट साइड जैसे मोड़ा और उसके बाद दो उंगली निकाल दी, 2,000 का चालान कर दिया। लगभग 10 मिनट में रुका था, चालान करना इसलिए काटा गया लेकिन कुछ नहीं बताया। और आज मैसेज आया है कि आपका 2,000 रुपये का चालान कट गया है। आज 2 बजे लगभग कानपुर से खबर है, जो है कानपुर देहात में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर दिखा है। ओवरटेक करने की होड़ में एक टेम्पो पलट गया है और आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस के जरिए CHC भर्ती कराया है। 5 की हालत चिंताजनक बताई गई और उन्हें डॉक्टरों ने हेलेट अस्पताल रेफर कर दिया है। जिले में लगातार डग्गामार वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं से लोग परेशान है। रसूलाबाद कस्बे के कानपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। टेम्पो बैठे थे, आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? घर पर। एकदम टेम्पो लौट गई भैया, पता नहीं बस आगे ऐसी बस से मुझे चक्कर लगे। हाँ टेम्पो चला रहे हो तो आज के? कितने लोग गए? 6 लोग हैं। जल्दी अपन नाम, हमारा नाम रामनाथ है। कहाँ जा रहे थे? कहीं जरी टेम्पो रहे, क्या हुआ? बस वाले ने चक्कर मार दी पीछे कितने लोग घायल हो गए। और लखनऊ में समतामूलक चौराहे पर कार में आग लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, तस्वीरों में आपको दिखा दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो एक कार में अचानक से आग लग गई और बीच रोड पर ये आग गोला बन गई है। आग का ये जो कार है और कार सवार लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने तुरंत ही पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां पर जो अग्निशमन विभाग है पहुंच गया और ये गाड़ी का आगे का हिस्सा जल चुका है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये गाड़ी अचानक से जल उठी और बताया जा रहा है कि चलती गाड़ी में अचानक से आग लगी। हालांकि गनीमत ये रही है कि कार सवार लोगों की जान सुरक्षित तौर पर बचाई जा चुकी है। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक ने एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चला दी है। 4 उप निरीक्षकों समेत 6 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फतेहपुर से, जहां पर बड़ी तबादला की गई है और पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर 6 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया। बताया जा रहा है कि अचानक से कार्य क्षेत्रों में बदलाव होने से प्रशासन में हड़कंप है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तबादले का यह फैसला लिया गया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ये लिस्ट जारी हो चुकी है, जो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लिस्ट जारी की जा चुकी है। प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए ये बड़े बदलाव किए गए। और श्री राम चरण पादुका यात्रा लखनऊ से अयोध्या पहुंच चुके हैं। भगवान श्री राम के महानिर्वाण स्थल गुप्तकार घाट पर श्री राम की चरण पादुकाओं का पूजन हुआ और लखनऊ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यात्रा लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने भगवान श्री राम चरण पादुका को यात्रा को रवाना किया है। अयोध्या की
इस पावन भूमि पर आज पंचकोसी परिक्रमा की अभी शुरुआत हुई है, मुझे भी इसमें रहने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से जो अभी 14 कोसी परिक्रमा हुई, ये 2 साल के कोरोना काल के बाद ये परिक्रमा हुई थी, ऐतिहासिक भीड़ थी और लोगों में उत्साह लबरेज लोग उत्साहते थे, महिलाएं, बेटियां, बच्चे सब जय श्री राम जय श्री राम ना, और इतनी तेजी के साथ चल रहे थे, इस उत्साह के साथ चल रहे थे। ये इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या में अभी यशस्वी प्रधानमंत्री कर्म भूमि जो होती है वही धर्म धर्म का बढ़ावा मिलता है कर्म भूमि से ही। तो कर्म भूमि यात्रा यदि निकाले हैं तो निश्चित है कि वह यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और साथ ही साथ ये यात्रा जहाँ से चलेगी और जहाँ समाप्ति होगी, इस बीच में जितने भी स्थान पड़ेंगे। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।